नमस्कार, विराट केर बघेली बुलेटिन में स्वागत है। हमान प्रियंका। कोविड-19 के तीसरी लहर के डर से प्रशासनिक व्यवस्था के समीक्षा बैठक ले रीवा पहुंचे प्रभारी मंत्री बिसाहू लाल का किसानन के परेशानी का लेके किसान नेता सुब्रत मण त्रिपाठी के द्वारा ज्ञापन सौंपा गा। श्री त्रिपाठी जिला की समस्या से अवगत कराई, वही किसानन के शोषण हो रहा है वह बताई और बताएं कि कई बेर ज्ञापन सौंपा गा लेकिन उनके समस्या के निवारण नहीं हो रहा है। समीक्षा बैठक में शामिल हो पहुंचे प्रभारी मंत्री बिसाहू लाल कोविड-19 की तीसरी लहर के तैयारी पर संतोष जताएं, वहीं पत्रकारन के द्वारा जिला में हो रहे भ्रष्टाचार अव्यवस्था और ऐसे अन्य मुद्दन के बारे में पूछे चाहें तो पहले से अपराधी के फौज खड़ी कीन गए रही जिनके द्वारा पत्रकारन का रोक देगा। हालांकि प्रभारी मंत्री कार्यवाही के आश्वासन दी नहीं, अपनों सुनी किसान नेता और प्रभारी मंत्री के का कहब है। प्रभारी मंत्री को आपने ज्ञापन सौंपा है, क्या मांगे थी, क्या आश्वासन मिला है? आज हमने अपने माननीय प्रभारी मंत्री जी से अनुरोध किया कि रीवा जिले में 148 सेवा सहकारी समितियां हैं, हर समितियों में किसानों को खाद उपलब्ध कराई जाए। अपने यहाँ का केंद्रीय सहकारी बैंक का तुगलकी आदेश, जिन किसानों की जमीन कहीं मार्गेज है उन्हें खाद नहीं दी जाएगी, ना तो ये सूचना के अधिकार के तहत जानकारी देते, ना लिखित आदेश दिखलाते। हमारे यहाँ 148 सोसाइटियाँ हैं और एक जानकारी के अनुसार डोर। इससे मैं संतुष्ट हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे रीवा जिला में तीसरी लहर नहीं आएगी, इतना मैं आपको आश्वस्त। मंत्री जी, किसानों की समस्या से खरीदी को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया, खाद बिजली की समस्या को लेकर ज़्यादा खरीदी हो रही है, इसके लिए कुछ निर्देश? नहीं, हमारे यहाँ तो नियम तय है कि आपके यहाँ जितना जनप्रतिनिधियों ने खरीदी केंद्र की मांग किया था सब जगह खरीदी केंद्र बना, ज्यादा धान खरीदी जा रही है, तौलाई में ज़्यादा तौलाई ली जा रही है। अगर इस टाइप की कोई शिकायत आएगी तो बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, जो नियम है वही लागू किया जाएगा, अगर कहीं ज़्यादा या कम खरीदा जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। किसानों की मृत्तिका की मांग की जा रही है, क्या लेके आए किसान जो खाद? पहले रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ऐसे जब क्या करेंगे? देखिए, धान खरीदी के पहले जमीन की रकवा वगैरह रजिस्टर किया जाता है, पट्टा की नकल वहाँ पर दिया जाता है, उसी समय रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो फिर दोबारा मांगने की क्या जरूरत है? चलिए, धन्यवाद जी। जी जी, क्या चीज़ चलिए सर, यहाँ मास्टर प्लान कुछ ऐसा नहीं है, अभी एक मास्टर प्लान आया था यहाँ रीवा में, क्या कि 104 बस्तियाँ जो है मलिन है, गंदी बस्तियाँ हैं रीवा में, यहाँ 15-20 साल भाई प्रणाम कर सरकार है, प्रणाम उसके बाद भी गंदी क्यों बस्तियाँ हैं? चलिए, क्या कि 104 बस्तियाँ जो है मलिन है, गंदी बस्तियाँ हैं रीवा में, यहाँ 15-20 साल भाई प्रणाम कर सरकार है, प्रणाम उसके बाद भी गंदी क्यों बस्तियाँ हैं? चलिए। वहीं दूसरी खबर की बात करी तो सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के पास में कुछ बदमाश शुभम शुक्ला, अनीस शुक्ला और उनकर 40-50 के साथियों द्वारा आनंद तिवारी, नीरज तिवारी और उनके घर के सदस्यों के साथ मारपीट करके उनका घायल कर दी। अपना को बताई कि ये सब अपराधी गांजा कोरेक साध की बिक्री करे वाले आई, अपना सुनी पीड़ितन के का कहब है। कौन मारपीट किया है? गांव का था पड़ोसी, शिवा शंकर शुक्ला, क्याला शुक्ला, अनीस शुक्ला, शुभम शुक्ला। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं आप? अमित शुक्ला है और शिव शंकर शुक्ला है और भी बहुत सारे लोग। कितने लोगों ने मिलकर मारपीट की? करीब 50 से ऊपर नहीं हुई। किस वजह से मारपीट की है, ये कौन लोग हैं? ये गांव के ये सारा ये गांजा बेचते हैं, कोरेक्स बेचते हैं, ये भू माफिया हैं और ये सब के तस्कर, इनके विरुद्ध सभी का वारंट है, गिरफ्तारी वारंट है, ये सभी फरार वाले हैं और इनका बस यही पैसा है। क्या नाम है आपका? आनंद। कौन लोग मारपीट किए हैं? अनिल शुक्ला, शिव शंकर शुक्ला, लंगड़ा शुक्ला, शिवा शंकर शुक्ला। कितने लोगों ने मिलकर मारपीट की है? 40 लोग। ऐसे ने तमाम खबर देखा की थी, देखत रही विराट 24 न्यूज़। धन्यवाद।